कहते हैं कि देश का दिल गांव में बसता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सदियों से चले आ रहे कई ऐसे पारंपरिक कार्य हैं, जो ग्रामीणों की आजीविका का आज भी जरिया है। लेकिन आधुनिकता की चकाचौंध की इस दुनिया व वैज्ञानिक युग में युवा अपने पारंपरिक और पुश्तैनी काम छोड़कर शहरों की ओर रुख कर रही है। यही कारण है कि आज पारंपरिक कार्य विलुप्त होने की कगार पर है। लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो पौराणिक परंपरागत कार्य को आज भी जीवित रखे हुए हैं। ऐसा ही एक पारंपरिक कार्य है ब्यूल की टहनियों से रेशा निकालने का, जिसे उपमंडल अर्की के गांव जखोली की वृद्ध महिला जानकी देवी जो आज भी इसको करती आ रही है। जानकी देवी व इनका परिवार कई दशकों से ब्यूल की टहनियों से रेशा निकालने का कार्य करते आ रही हैं। बता दें कि ब्यूल का पेड़ होता है, जिसका हरा घास पशुओं के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल होता है। वहीं इसकी टहनियों को एकत्रित कर गर्मी व बरसात के मौसम में पानी में 25 से 30 दिन के लिए दबा देती है, जिसके बाद उन टहनियों को निकालने के बाद बड़ी मशक्कत करके उससे रेशा निकाला जाता है। वह साफ टहनियों, जिन्हें स्थानीय भाषा में पलियाठी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल सर्दियों में चूल्हे में आग जलाने, शुभ व अशुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टहनियों से निकाली गई छाल यानी रेशे से लोग पशुओं के लिए गलावे व रस्सियां बनाते हैं, जिन्हें बेचने से लोगों की आजीविका भी चली रहती थी। इस पारंपरिक कार्य को आज भी करने वाली वृद्ध महिला जानकी देवी कहती है कि वह कई दशकों से इस कार्य को करती आ रही है, लेकिन आज रेशे निकालने का यह कार्य विलुप्त होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों को इस बारे में जानकारी ही नहीं है कि यह क्या है और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। ब्यूल छिन्न थे, छाटे दबाने, पेठिया बनाऊ थे, सेल बनाऊ थे, काम करो थे, ये बेकोई नहीं करता, पर ये तो ठीक है, जे बनाओ करो तो बरसाती बालने रे काम में आओ, डांगरा के सेल गड़ाओ बनाओ, रसिया बनाओ। वही ग्रामीण अमर सिंह व मुकेश शर्मा का कहना है कि ब्यूल की टहनियों से निकलने वाले रेशे से कई चीजें बनाई जाती है व इसकी पलाठिया का कई कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आधुनिक दौर में यह कहीं गुम हो गई है। इसके लिए हम सभी को चाहिए कि वह इस कार्य का संरक्षण करें। समय से ब्यूल की जो टहनियाँ थी उनको हम पानी में दबाते थे और एक महीने तक उसको पानी में दबा कर रखते थे, जिससे उसकी जो छाल थी वो हमें रेशे के रूप में प्राप्त होती थी, जिससे हम रस्सियाँ और गड़ावें बनाते थे और लोगों का रोजगार भी चलता था। और उससे जो टहनी बचती थी, उस टहनी को हम पलट्ठी कहते हैं। पलट्ठी इतनी काम की है कि जब उस बरसात में जब लकड़ियाँ गीली होती है तो भी उनको जलाने के लिए काम करती है, और दूसरा शुभ अशुभ में भी काम इसका होता है। पर आज वो परंपरा सब लोग भूल गए हैं, इसलिए हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इस को फिर दोबारा शुरू करना चाहिए। हम ब्यूल काट रहे हैं और ब्यूल काटने से बाद डांगर को ले पशु को ली गौ को ली, फिर उसके छाते करके हमने पानी में डालना, फिर पानी में डालने से महीना से बाद निकालना उसको छाते फानना, फिर तब फिर लेके उसके सेल निकाल के फिर जी उसके जो बढ़ाती होता है वो हवन के लिए कोई बरसात में आग बालने के लिए वो काम आ जाते हैं, बाकी उसकी जो सेल रस्सी होता है वो रस्सी बनाने का काम आ जाते हैं। बाकी अब लोगों को पास गौ रखने का ही छत्ते दबाना काटना लेने को ये काम खत्म हो गया। इस टाइम अब क्या करें, अब ऐसे ही समय है, हम बुढ़ा क्या हो गया, आगे काम भी आगे जवान जवान छोकरे भी ये काम छट गया। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए अर्की से राकेश कुमार की रिपोर्ट। इंसान स्वस्थ है तो मस्त है, सेहत है तो सुकून है। लाइफ टाइम्स टीवी पर आप देखना ना भूलिए सेहत की बात, जहां हम आयुर्वेदिक के माध्यम से करण सिंह वैद्य संग बताएंगे कि आखिर कैसे रहे फिट और क्या है आपकी सेहत की बात।
विश्वास जिम्मेदारी का, यकीन एक नई शुरुआत का, शुरुआत एक नए एहसास की, एहसास सुकून का, अपनेपन का। नए रिश्तों वाली फीलिंग बयां नहीं होती, सिर्फ एक्सपीरियंस की जाती है। जैसे गोयल मोटर्स मारुति सुजुकी अरीना, नए रिश्तों की शुरुआत नाउ इन सोलन एंड शिमला।